देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्कूल रेडीनेस का सप्ताह एक चलेगा 17 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक। उसमें आपको स्कूल रेडीनेस की क्या क्या गतिविधि डेली करानी है और इसका आपको कहाँ से लिंक मिलेगा, जिसके अनुसार आपको उद्देश्य वगैरह सब कुछ पता चलेगा और उसके चरण क्या हैं और कैसे कैसे गतिविधि करानी है वो सारी चीज़ें आपको। वर्किंग सर्किल टाइम होगा, देखिए डेली आपको क्या कराना है। मॉर्निंग सर्कल टाइम होगा 30 मिनट का, स्वतंत्र खेल 30 मिनट का होगा, भाषा और साक्षरता कौशल 30 से 35 मिनट का होगा, कला संबंधित गतिविधियाँ 30 मिनट की होंगी, गणित EVS वैज्ञानिक सोच 30 मिनट की होगी और बाहरी खेल 30 मिनट का, गुड़बाय सर्कल टाइम 30 मिनट का। तो इसमें हम देखिए सोमवार की देखते हैं कि सोमवार को आपको किस टाइप से करानी है। इसी टाइप से आपको आगे भी करानी होंगी, उसका लिंक आपको शिक्षक संदर्शिका का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी मिल गई होगी तो आप वहाँ से हार्ड कॉपी से भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे सोमवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वच्छता जांच, स्वागत, प्रार्थना, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस किया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं। अब दूसरा पीरियड हुआ स्वतंत्र खेल का। कक्षा कक्ष के 4 स्वतंत्र खेल के कोनों में स्वतंत्र रूप से खेलना उद्देश्य है इसका। कक्षा कक्ष में उपस्थित स्वतंत्र खेल के लिए बनाए गए 4 कोनों में रखी गई सामग्रियों द्वारा सर्वांगीण विकास करना। तैयारी और सामग्री क्या है? कला कोना, किताब कोना, ब्लॉक कोना, अभिनय गुड़िया घर से संबंधित सामग्रियाँ। इसके चरण क्या रहेंगे? बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद से किसी भी कोने में रखी हुई सामग्री का चयन खेलने के लिए कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार शिक्षक बच्चों को निर्देश दें, बच्चों द्वारा पूछी जा रही जिज्ञासियों का समाधान करें। शिक्षक सभी कोनों पर खेल रहे बच्चों का अवलोकन करते रहें व जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। गतिविधि समाप्त होने पर बच्चों को सभी सामग्रियों को उनके स्थान पर वापस रखने के निर्देश दें व ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों ने सामान सही जगह पर ही रखा हो। देखिए, भाषा और साक्षरता कौशल में क्या करना है? मौखिक खेल, अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों की आवाज़ निकालना और पहचानना, और बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन, और बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुनाएं। इसका ये उद्देश्य और तैयारी और सामग्री और गतिविधि के चरण दे रखे हैं। अब देखिए, कला संबंधित गतिविधियों में क्रम्बल करना, मोड़ तोड़कर कागज की बड़ी गेंद बनाना, बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास होगा इससे। गणित EVS वैज्ञानिक सोच में आसपास की आवाज़ों को पहचान पाना व उसमें अंतर कर पाना। बाहरी खेल में नमस्ते जी, बच्चे आनंद के साथ खेल में प्रतिभाग करने में सक्षम होंगे। और गुडबाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों का नाम पूछें और परिचय से संबंधित कोई गतिविधि कराएं। अंत में बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लटकाएं या चिपकाएं। बच्चों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होगा। तो इस टाइप से देखिए, ऐसे सोमवार की है, इसी टाइप से मंगल की मिलेंगी आपको सप्ताह एक की, ऐसे आपको बुधवार की मिलेगी, इसके बाद में बृहस्पतिवार की मिलेंगे, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार की गतिविधि मिलेंगी और शनिवार की गतिविधि मिलेंगी। तो इस टाइप से देखिए, कक्षा एक का सप्ताह एक आपको कंप्लीट कराना है 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको जो भी चरण हैं उसको अपने गतिविधि में शामिल कर सकते हैं और शिक्षक डायरी में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।